नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे टेक्निकल अप्लाइसेस चैनल में। इस वीडियो में दोस्तों आपको गैस गीजर की जो इनलेट पाइप होती है, जो आप देख सकते हैं तीर का निशान बना हुआ है, अगर वो जाम हो जाए या आप उसको खोलते समय जो अंदर से घूम जाए, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है, और इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो और व्हाट्सएप पे हमारे साथ बात करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा ओनली 29 रुपये पर मंथ है, जिसमें दोस्तों आपको स्पेशल वीडियोज़ और स्पेशल पोस्ट भी मिलेंगे, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये हमने गीज़र को खोल लिया, ऊपर से ढक्कन को, तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों जो इनलेट इसकी पाइप है ये पूरी फिक्स हो चुकी है, खुल नहीं रही। और जब इसको खोलने की कोशिश की गई तो यहाँ से जो पाइप है वो अंदर से बैंड हो गई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइट था, और इस वजह से ये गीज़र काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि इसका जो सेंसर है वो यहाँ से बाहर निकल गया और अंदर मैग्नेट भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका हम यहाँ पे इसकी रॉड को पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, इनलेट जो रॉड है इसकी। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे ये पूरा आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम सेल की डब्बी को बाहर निकाल लेंगे। अगर आप सेल की डब्बी को बाहर निकालना सीखना चाहते हो तो आप बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर दो स्क्रू लगे होते हैं, उन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। और अगर आप अकेली डब्बी आपकी डब्बी को निकाल लग चुका है, तो आप लगे लगे गीज़र को ही डब्बी को चेंज कर सकते हैं, पूरा गीज़र खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आप ऐसे बाहर निकाल कर इसकी जो थिम्बल है वो बाहर निकाल सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम इसका जो नट है इसको भी स्क्रू रेंच की मदद से खोल देंगे। अगर आप दोस्तों हमारी ऐसी रेगुलर वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी बहुत सारी और भी वीडियो हमारे चैनल पर बन चुकी हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो हम इसका नट का पहले साइज़ चेक कर लेंगे कि नट का साइज़ बिल्कुल सेम है या इसमें थोड़ा सा कोई फ़र्क है। किसी किसी में दोस्तों फ़र्क होता है, लेकिन जो मोस्टली यही साइज हो इसमें काम में आता है। तो एक बार इसको हम दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने इस पर रेंच लगाकर इसको खोलने की कोशिश की, तो ये अंदर से फिर से और बैंड हो रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं है यहाँ से, इसको हमें चेंज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे जो दो स्क्रू लगे हैं इसके, एक ये वाला और एक इसके साइड पे, ऊपर की साइड पे स्क्रू लगा होगा, वो भी हम इसके बाद खोलेंगे। ये दोस्तों ये बेस के साथ जो अटैच होता है, ये आप पहले बेस के नट को खोल लें, और इसको दोस्तों खोलने के बाद इसके आप देखेंगे या इसके साइड पे, यहाँ आप देख सकते हैं इसके दो नट लगे हुए हैं, ये मैंने अंगूठे से आपको दिखा रहा हूँ। तो इन दोनों नटों को भी हम खोल देंगे। ये दोस्तों इसको पकड़ कर रखने के लिए होते हैं ये नट, इसका लेफ़्ट साइड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, बाकी जो दूसरे हाई प्रेशर गीज़र होते हैं उसमें इसका लेफ़्ट साइड के साथ कनेक्शन होता है, लेकिन लो प्रेशर गीज़र में ये अलग अलग ही होते हैं। वैसे ही इसको स्क्रू के साथ एक टिकाया होता है एक जगह पर, तो ऐसे हम इसको बाहर निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो ये अलग हो चुका है, ऐसा ही सेम हमारे पास एक पार्ट्स अवेलेबल है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों ये इसका पूरा सेट ही मिलेगा आपको, नहीं तो आपको स्क्रैप में से कोई ढूंढ कर और गीज़र में से निकाल कर लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको मार्केट में पूरा मिले तो आप पूरा ही आपको परचेज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्क्रैप में से कोई गीज़र मिल जाए तो उससे आप निकाल के लगा सकते हो। तो हमारे पास एक बढ़िया गीज़र सेकेंड हैंड पड़ा था, उससे हमने निकाल कर इसको इसके अंदर लगा रहे हैं। तो हमने चारों स्क्रू को टाइट कर दिया है, अच्छे से दोस्तों सभी स्क्रू को टाइट कर दें। वो इसके अंदर दोस्तों एक रबड़ लगी होती है जो हम नट चढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक कलर की, वो रबड़ हमेशा इसको संभाल कर रखें और ज़रूर लगाएं, नहीं तो यहाँ से नट से पानी आपका लीक होगा। इसको आप हाथ से भी टाइट कर सकते हैं, उसके बाद आधा चूड़ी रेंच से आप टाइट करें, ज़्यादा टाइट भी ना करें,
हाथ से टाइट करने के बाद हल्की सी चूड़ी जो है रेंज के साथ टाइट कर दें। और इसके बाद दोस्तों हम इसकी जो सेल की डब्बी है वो भी लगाएंगे। कभी दोस्तों पहले जो थिम्पल मत लगाएं, थिम्पल हमेशा उसके अंदर डाल के ही लगाएं। यहाँ पे जो नीचे स्लॉट बना हुआ है, जैसे हमने पहले इसको इसके अंदर डाला उसके बाद हमने थिम्पल को लगाया, याद रखें दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे दो जो स्क्रू हैं इन दोनों को टाइट कर देंगे। और सेल की डब्बी को भी चेंज करना बहुत ही आसान है दोस्तों। हमारी ऐसी बहुत सारी वीडियो, टेक्निकल नॉलेज वाली बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं। हम आरओ फिल्टर पर, गीज़र, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर वीडियो बनाते हैं, माइक्रोवेव पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो ये दोस्तों सेंसर है, इसको हम इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे टाई की मदद से। यहाँ पे एक यू टाइप सेंसर भी आता है जिस पे नट लग जाता है, तो लेकिन यहाँ पे हम फ्लैट सेंसर यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम टाई की मदद से इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये गीजर ऑन करके भी चेक करवाऊँगा, ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा टाई को हम काट देंगे और हमारा सेंसर भी यहाँ पे फिट हो चुका है। और इसको इसके बाद हम इसको ऊपर टांग देंगे और हमने पाइप का सारा कनेक्शन कर दिया है। अब इसको ऑन करके हम चेक करेंगे, जैसे हमने पानी को खोलेंगे तो यहाँ पे आग जलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो गीज़र बिल्कुल ओके हो चुका है दोस्तों, फ्लेम भी इसकी कम ज़्यादा हो रही है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताजो ऐसी और भी वीडियो हम बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसके अलावा भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को अलग अलग जाके चेक कर सकते हैं। हमने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उन वीडियो को जाके ज़रूर देखें ताजो आपकी और नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके। इसके अलावा अगर आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो और व्हाट्सएप पर हमारे साथ बात करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसका खर्चा ओनली 29 रुपये पर मंथ है, जिसमें दोस्तों आपको स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट भी मिलेंगे जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।